Welcome to Learn for Exam. My name is Gurpreet Singh. In this video, we'll talk about the XGMT exam. So let's start. So the XGMT exam jo hai wo 25th January ko hone wala hai. काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के बारे में पूछ रहे थे कि क्या उसमें इंपॉर्टेंट होता है, कैसी चीज़ें आती हैं. तो मैं उसके बारे में जितना मुझे पता है आई एम शेयरिंग द नॉलेज विद यू ऑल. एंड 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस रहा है क्योंकि हम 2 साल से इसकी प्रिपरेशन करा रहे हैं. काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स रहे हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स में पढ़ते हैं. तो उन्हीं से बात करने के बाद आपके साथ ये सब कुछ शेयर कर रहा हूँ. सो XGMT का सिलेबस है, मोर ओवर इट्स काइंड ऑफ सेम एज ZAT एग्जाम, और उसका जो लेवल रहता है वो भी ZAT एग्जाम जैसा ही रहता है. तो मतलब आप ये कह सकते हैं कि कैट से भी थोड़ा टफ. क्वांट इसके अंदर आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है अलजेब्रा, ज्योमेट्री, एनर्थमेटिक, ठीक है. ये तीनों पार्ट्स काफ़ी भर भर के आएंगे. देन DI और LR इज़ मोर ओवर जैसी आप कह लीजिए ZAT में एक्सपेक्ट करते हैं ना कि पूछी ही नहीं जाती टाइप्स, वैसी ही रहेगी, ठीक है. आएगा सेक्शन बट इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रहती है इन सेक्शंस को. देन वर्बल एबिलिटी इसकी भी, ये भी थोड़ी टफ होती है. ये आप ये नहीं कह सकते कि कोई ईजी लेवल, इट्स अबाउट लाइक कैट और ZAT. लाइक अगर आप पिछले साल जिसने भी दिया होगा वो आपके साथ ये जरूर से शेयर कर सकता है. इट्स डेफिनेटली एज दैट लेवल, ठीक है. देन इमोशनल क्वेश्चन, बस इसमें चेंज क्या होता है, जो DM होता है उसकी जगह इमोशनल क्वेश्चन डाल जाता है. फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई बच्चा पार्क में रोता हुआ मिला तो आपके साथ क्या करोगे, उसकी मम्मी को ढूंढोगे, क्या करोगे, वैसे वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है. बस आपको एक बार ये प्रिपरेशन करनी होती है तो वो लाइक आप समय अराउंड 4 से 5 मार्क दीजिए, आपको समझ आएगा EQ कैसे करते हैं. इट्स नॉट दैट टफ. देन जनरल अवेयरनेस जिसमें आपके GK थोड़े बहुत क्वेश्चन होते हैं, ठीक है. अब ये पैटर्न कैसे आ रहा है, थोड़ा सा चेंज हुआ है. हर साल ही कुछ ना कुछ करते रहते हैं, आई डोंट नो व्हाई. एक बार पैटर्न बना ले तो सेट कर ले. सबको, हमें भी कंफ्यूज करते हैं जो टेस्ट सीरीज बनाते हैं, बच्चों को कंफ्यूज करते हैं जिन्होंने प्रिपरेशन करनी है, आई डोंट नो व्हाई. सो मोड जो होगा वो ऑनलाइन होगा. अब ZAT ने तो गूफ अप किया, सो आई एम नॉट श्योर अबाउट इट कि यहाँ पे भी गूफ अप होगा कि नहीं होगा. बट इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है हर एक गलत आंसर के लिए, मैं पहले बता दूँ, ठीक है. टाइप्स ऑफ क्वेश्चन सारे MCQ रहने वाले हैं. अब टाइप टीटा टाइप इन्होंने बोला नहीं, मे बी दे दें. और एक थोड़ी बहुत चीज़ें और भी क्लियर नहीं, जैसे सेक्शनल टाइम, मेरे हिसाब से तो सेक्शनल टाइमिंग नहीं होगी, ठीक है. बाकी देखते हैं, अगर होगी तो आप इंस्ट्रक्शन ज़रूर से पहले पढ़ लेना, ठीक है. इंग्लिश में ही रहता है, 120 मिनट मिलते हैं. एंड बाकी जो सेक्शन रहेंगे वैसे रहेंगे, QA का सेक्शन, वर्बल एबिलिटी एंड LR का सेक्शन, फिर DI का सेक्शन, फिर एक इक्वल इमोशनल क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस का सेक्शन, ठीक है. अब इसके अंदर कितना कितने क्वेश्चंस किसके क्या आएंगे कुछ नहीं पता इसके बारे में. नो कंक्रीट सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम कि भैया कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, किसके कितने आएंगे, वी आर नॉट श्योर अबाउट इट. बट हमने काफ़ी ज़्यादा मिक्सअप किया हुआ है, ठीक है. हमारी टेस्टिस के अंदर पाँचों ही हमने अलग अलग तरीके से बना रखी हैं ताकि आपकी एक अच्छी सी प्रिपरेशन हो जाए इन्हीं चीज़ों को, पैटर्न को लेके, जिस तरीके से आ सकता है 120 मिनट में जितने क्वेश्चन हो सकते हैं, जितने लगते हैं, और जो जिस लेवल का आता है ZAT टाइप, वो पूरा आपके साथ बनाया के शेयर किया हुआ है. सो आप जरूर से जाके वो भी देख सकते हैं हमारी टेस्ट सीरीज, ठीक है. काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस पे अवेलेबल है इस समय, 450 के अराउंड. वेबसाइट पे जाके लॉगिन कर लीजिएगा. बाकी हम बात करते हैं आप कट ऑफ की, तो ये डोमिसाइल मतलब जो ओडिशा, जिन जो ओडिशा में रहते हैं उनके पास इसको वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है. और इसकी इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग हमेशा अलग होती है. तो ये लास्ट ईयर की मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, 2019 की 60, दिस इज परसेंटाइल. स्कोर कितना आएगा, पर्सनल कितनी आएगी, नो कंक्रीट थिंग अबाउट दिस एज वेल, बिकॉज इतना ज़्यादा कोई बच्चा देता नहीं इस एग्जाम को, तो इन चीज़ों के बारे में पता लग नहीं पाता इतने ईजिली, ठीक है. बट हाँ, कट ऑफ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये मेल की है, ये फीमेल की है. ये ई फॉर इंजीनियरिंग, जो इंजीनियर स्टूडेंट है, एनी मतलब नॉन इंजीनियर स्टूडेंट. ये सेक्शनल्स की है, ठीक है. इसके अंदर GA की नहीं है क्योंकि पिछले साल GA नहीं था, बट इस बारी आपको सामने है कि इस बारी आ रहा है, ठीक है. तो थोड़ी बहुत शायद चेंज हो जाए. एंड ओवरऑल ये है आपके सामने, ठीक है. ये डोमिसाइल के लिए है. अगर हम बात करें नॉन डोमिसाइल, जो ओडिशा में नहीं रहते, जो बाहर रहते हैं, उनके लिए भी इंजीनियरिंग नॉन इंजीनियरिंग अलग है, मेल फीमेल अलग है. ये सारी की सारी सेक्शंस की भी आएगी, फिर ओवरऑल की भी आएगी. तो ये आप देख सकते हैं. बट हाँ, ये परसेंटाइल का कुछ पता नहीं कितने स्कोर पे आएगी. तो इतना कहूँगा कि जब आपकी कट ऑफ, जब आपके पास स्कोर आ जाए ना, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि हाँ मेरा इतना आ गया इस बारी, तो कहीं ना कहीं मैं कॉल एक्सपेक्ट कर सकता हूँ. बस इतना आइडिया आपको देगा, इससे ज़्यादा कोई आइडिया नहीं देगा पिछले साल की कट ऑफ देखकर, ठीक है. बाकी हमारा 18 जनवरी से नया बैच शुरू हो रहा है MBA 2020, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉर दी नेक्स्ट ईयर, ठीक है. तो आप जरूर से हमें ज्वाइन कर सकते हैं. दीज आर द फीचर्स. एंड हम प्रोवाइड करते हैं फ्री टेस्ट ऑन वेबसाइट एंड दी ऐप एज वेल, जो कि आपको बूस्ट अप करते हैं आपकी प्रिपरेशन को. एंड दीज आर द कोर्सेज विच आर प्रोवाइडिंग राइट नाउ.
MBA फॉर द BBA और क्लैट और दी GDPA CDPA अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसकी, या फिर CMAT की GK अगर आपको सिर्फ वही करना है तो भी आप ले सकते हैं। टेस्ट सीरीज जिनकी मैं बात कर रहा था XGMT की टेस्ट सीरीज है, ठीक है। राइट नाउ ये 499 है, वैसे आप 459 में आप ले सकते हैं, 449 एग्जैक्टली, ठीक है। सो 449 में आप एक परचेज कर सकते हैं जाके वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। ज़रूर से आके एनरोल कर लीजिए, काफ़ी अच्छे 5 फुल लेंथ टेस्ट बना रखे हैं, हाई लेवल टेस्ट हैं, ये नहीं कोई ईजी क्वेश्चन होंगे इसके अंदर, मैं पहले ही बता दूँ, टफ टफ है, ठीक है, टफ टफ बना रखी है, पहली बता रहा हूँ। बाकी और भी टेस्ट सीरीज है जो आके आप एनरोल कर सकते हैं। एंड दीज आर फीचर्स ऑफ L4E, प्रोवाइड लाइव क्लासेस, एक्सेस टू द क्लास रिकॉर्डिंग्स, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, बेस्ट ट्रेनर्स, टाइम सेवर एंड टू इंटरेक्शन, दिस हाई लाइव क्लासेस। एंड यू कैन चेक आउट द ओवरऑल रिजल्ट्स एज वेल, 2017 टू 2018, लेट्स सी 2019 में क्या आता है। एंड दीज आर दी रिजल्ट्स ऑफ 2019, कन्वर्ट्स नहीं है, सिर्फ रिजल्ट्स हैं, स्कोर कार्ड्स हैं स्टूडेंट्स के। एंड दीज आर रिव्यूज बाय अवर स्टूडेंट्स फॉर अवर रिजल्ट्स, फॉर अवर क्लासेस बेसिकली। ऑलराइट, एंड डोंट फॉरगेट टू कनेक्ट विद अस ऑन यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, स्नैपचैट एंड इंस्टाग्राम पे ज़रूर से करना। अगर आपको कुछ सेमिनार्स अटेंड करने हैं, कोई भी क्वेरी पूछनी है, तो आप ज़रूर से इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं हमारे साथ, ठीक है। वहाँ की मैं स्टोरीज में आके आपको बताता रहता हूँ। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट डाउन बिलो फिनिश योर क्वेरी एंड हिट लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच, हैव अ लवली ऑसम डे अहेड।